प्रायोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। गुरु गोरक्षनाथ आयुष विश्वविद्यालय के निर्माण कार्यों की भौतिक समीक्षा के दौरान मिट्टी भराई का कार्य अधूरा देख सीएम योगी की चढ़ी त्योरी, लहजा हुआ तल्ख, डीएम को दिए निर्देश, कहा 2 माह में पूर्ण हो मिट्टी का कार्य, समय पर पूरा हो निर्माण कार्य, लापरवाही पर कराए FIR। गोरखपुर महाराजगंज स्थानीय प्राधिकरण के चुनाव के 21 मतदान केंद्रों में से एक नगर निगम में बने मतदान स्थल का जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने किया निरीक्षण, कहा सभी तैयारी है, पूरी शांतिपूर्वक संपन्न होगा मतदान। अपने सगे भाई इरशाद पर जानलेवा हमला कराने वाली कलयुगी बहन आफरीन व उसके प्रेमी सूरज यादव को गुलहरिया पुलिस ने किया गिरफ्तार, भेजा जेल, SP नॉर्थ मनोज कुमार अवस्थी ने किया खुलासा। गुरु गोरक्षनाथ इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज आयुर्वेद कॉलेज के दीक्षा पाठ्यचर्य समारोह में सीएम योगी ने छात्रों से किया संवाद, कहा चिकित्सा व चिकित्सा शिक्षा में नई क्रांति की शुरुआत है आयुर्वेद कॉलेज, चिकित्सा की दोनों विधाओं की ज्ञान परंपरा का अद्यतन संवाहक बन रहा है आरोग्य धाम परिसर। 25 मार्च को चौरी चौरा के भोपा बाजार चौराहे पर जाम लगाकर उपद्रव करने की घटना में शामिल मुख्य आरोपी व 25,000 का इनामी मनोरंजन यादव ने पुलिस कार्रवाई के दबाव में आकर न्यायालय में किया आत्मसमर्पण, भेजा गया जेल। गोरखपुर महाराजगंज स्थानीय प्राधिकरण के मतदान के लिए पोलिंग पार्टियां कचहरी क्लब से मतदान बूथों के लिए बैलेट पेपर व बैलेट बॉक्स के साथ हुई रवाना, जिलाधिकारी ने कहा गोरखपुर में शनिवार को 21 बूथ पर होगा मतदान, सभी बूथों पर सुरक्षा व्यवस्था का रहेगा पुख्ता इंतजाम। पच्चीस मार्च को चौरी चौरा थाना क्षेत्र के भोपा बाजार चौराहे पर जाम लगाकर उपद्रव एवं आम जनमानस पुलिस बल पर पथराव तोड़फोड़ करने वाले 3 अभियुक्तों को चौरी चौरा पुलिस ने किया गिरफ्तार, SP नॉर्थ ने किया खुलासा। गोरखपुर महाराजगंज स्थानीय निकाय चुनाव के भाजपा प्रत्याशी CP चंद्र ने मतदाता बंधुओं से की अपील, कहा भाजपा के पक्ष में करें मतदान, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश के विकास की नई ऊंचाइयों में ले जाने के लिए बने उनके हमसफर। वासंतिक चैत्र नवरात्र के 7वें दिन शुक्रवार को गोरखनाथ मंदिर स्थित माँ दुर्गा के गर्भगृह में माता कालरात्रि देवी की मंदिर के प्रधान पुजारी योगी कमलनाथ ने किया पूजा अर्चना तथा आरती, तत्पश्चात वितरित किया गया प्रसाद। गोरखपुर महाराजगंज स्थानीय प्राधिकरण के चुनाव के लिए शनिवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा मतदान करने की सूचना मिलने पर नगर आयुक्त अविनाश कुमार सिंह ने पोलिंग बूथ सदन हॉल का किया निरीक्षण, सफाई व्यवस्था का लिया जायजा, कहा जिले का सबसे मॉडल बूथ बनेगा नगर निगम का सदन हॉल। पंचायत सशक्तिकरण के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले ग्राम पंचायतों को दिया गया मुख्यमंत्री पंचायत प्रोत्साहन पुरस्कार, DPRO ने कहा धनराशि को अपने गांव के सर्वांगीण विकास के लिए करेंगे खर्च, जिससे हो सकेगा गोरखपुर का सर्वांगीण विकास। और चैत्र नवरात्र के सप्तमी के दिन गोलघर काली मंदिर में मां के दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं की लगी रही भीड़, नगर आयुक्त ने कहा सभी मंदिरों पर साफ सफाई की गई है समुचित व्यवस्था।